एक दोस्त का कमेंट्स पढ़ रहा था कि मेरे पास बैलेंस कम है लेकिन मैं अपने घर की छत के ऊपर लंटर डालना चाहता हूँ, TR गार्डर नहीं डालना चाहता। आप प्लीज़ मुझे RBC लंटर के बारे में गाइड करें, क्या ये लंटर मजबूत और पायदार होता है। इस हमारे दोस्त का जो घर का एरिया है तकरीबन 1000 स्क्वेयर फिट एरिया है, 4 मरला एरिया कर ले। अक्सर हमारे पाकिस्तान में 4 या 5 मरला के जो प्लाट होते हैं 1000 से लेकर 1200 स्क्वेयर फिट एरिया बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे RBC लंटर क्या मजबूत होता है, क्या मुझे छत के ऊपर डालना चाहिए और 1000 स्क्वेयर फीट में RBC लंटर डालने पर हमारा टोटल कितना खर्चा होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जाहिद नवाज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजिएगा। आप तमाम दोस्तों का अगेन शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। सबसे पहले सरिये की बात कर लेते हैं। 1000 स्क्वेयर फीट में RBC लंटर के अंदर ईंटों की भी ज़रूरत पड़ती है और ये जो लंटर है RCC लंटर से मोटाई में भी ज़्यादा होता है। आपका 600 kg से लेकर 630 kg सरिया लग जाएगा RBC लंटर। एरिया 1000 स्क्वेयर फीट है। मार्केट में जो ब्रांडेड स्टील है 260 रुपये से लेकर 270 रुपये में 1 kg मिल जाता है। सरिये पर आपका खर्चा हो जाएगा 1,62,000 रुपये। अगर आप RCC लंटर डालेंगे इसी एरिया में तो आपका 1000 kg सरिया लगेगा। RBC लंटर में आपका 400 kg सरिया कम लगता है। इस लंटर की मजबूती और पायदारी के बारे में भी आगे चल के बात करते हैं। इसके बाद सीमेंट की बात करते हैं। 55 से लेकर 60 बैग आपके सीमेंट के लग जाएंगे। 1250 से लेकर 1330 रुपये में सीमेंट का 1 बैग मिल जाता है। 71,000 का आपका सीमेंट आ जाएगा। बजरी हमारी लगेगी 270 से लेकर 300 क्यूबिक फिट। 37,000 से लेकर 40,000 की आपकी बजरी आ जाएगी 1000 स्क्वेयर फीट में RBC लंटर डालने के लिए। रेत हमारी लग जाएगी 250 क्यूबिक फीट। 15,000 की आपकी रेत आ जाएगी। ईंटों की ज़रूरत पड़ती है RBC लंटर में। RBC लंटर के ऊपर जब सरिया बांधते हैं तो सरिये का जो बॉक्स होता है वो 11x11 इंच का होता है या 12x12 इंच का, क्योंकि हर बॉक्स के अंदर 2 या 3 ईंटें आती हैं। तकरीबन आपकी 2000 ईंट आ जाएगी 20,000 से लेकर 24,000 रुपये में। अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर ईंटों का रेट ज़्यादा होता है, फिर ये आपका खर्चा बढ़ सकता है। और कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर आज भी 8 से लेकर 10,000 रुपये में 1000 ईंट मिल जाती है। इसके बाद शटरिंग की बात करते हैं। जो लेबर शटरिंग करने आएगी, जो लेबर सरिया बांधेगी, इसके बाद कंक्रीट मिक्स करने वाली मशीनरी, इन तमाम चीज़ों पर आपका खर्चा 40,000 से लेकर 50,000 हो जाएगा। कुछ ये जो खर्चा है शटरिंग का आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं, जो छत के लंटर में पाइप डालेगा। 15,000 से लेकर 20,000 इलेक्ट्रिक के पाइप और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी पर आपका खर्चा हो जाएगा। लेबर की ज़रूरत पड़ती है, एक मिस्त्री 2 साथ में मजदूर होते हैं जिस दिन लंटर छत के ऊपर डालना होता है। 5 से लेकर 6,000 आपका ये खर्चा हो जाएगा लेबर पर। इसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो मौके के ऊपर करने पड़ते हैं। प्लास्टिक की शीट की ज़रूरत पड़ती है, जिस वायर से सरिया बांधते हैं वो खरीदनी पड़ती है। 5,000 जी एक्स्ट्रा खर्चा इसमें शामिल कर लेते हैं। इन तमाम चीजों का टोटल करें तो आपका 1000 स्क्वेयर फीट में RBC लंटर मुकम्मल हो जाएगा 3,75,000 रुपए में। अब मेरे सब्सक्राइबर के जो मेन क्वेश्चन था कि क्या RBC लंटर मजबूत और पायदार होता है, दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में RCC लंटर को सब लोग लाइक करते हैं। इस लंटर की मजबूती और पायदारी ज्यादा होती है। RBC जो लंटर है, अगर आपका बजट कम है आप अपने घर की छत के ऊपर डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग आपको डराएंगे यार ये लंटर गिर जाता है, ऐसा नहीं होता। हमारे सिटी में कुछ ऐसे घर हैं जो आज से 40 साल पहले बने थे, RBC लंटर उनकी छत पर है, आज भी वो घर माशाल्लाह मौजूद हैं, डबल ट्रिपल स्टोरी घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो RBC लंटर होता है, इस लंटर की मोटाई भी ज़्यादा होती है क्योंकि जो ईंटें होती हैं उनके ऊपर और नीचे भी थोड़ी थोड़ी कंक्रीट आती है। RBC लंटर की अगर छत के ऊपर आप कोई चीज़ फेंकेंगे, सीमेंट का बैग या ऊपर से ईंटें फेंकेंगे, तो नीचे वाइब्रेशन कम से कम होगी। इसके बराबर जो RCC लंटर है उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ फेंकेंगे पूरी छत आपकी वाइब्रेट करेगी। और साथ अपने व्यूवर को बताता चलो, अगर आप 1000 स्क्वेयर फीट में RCC लंटर ही डालना चाहते हैं तो फिर आपका 5,42,000 खर्चा होगा, जो बिल्डिंग मटेरियल के ताज़ा तरीन रेट्स हैं उसके हिसाब से। अब माइनस प्लस आप खुद कर लें। इस RBC लंटर पर आपका खर्चा हो रहा है 3,75,000 और अगर आप 1000 स्क्वेयर फीट में RCC लंटर डालेंगे तो आपका खर्चा होगा 5,40,000 के करीब करीब। जो आपको अच्छा लगे हमने आपके साथ दोनों रेट शेयर कर दिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है, साथ में वीडियो भी लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।